तो आज हम चेक करेंगे सुप्रो का महिंद्रा सुप्रो प्रॉफिट ट्रक मैक्सी। ये लेटेस्ट मॉडल है, BS6 में आया हुआ। तो महिंद्रा सुप्रो BS6 में हम इसका क्लच प्लेट चेंज करने वाले हैं और उसकी क्लच बेयरिंग आप देख सकते हैं कि कैसी हो चुकी है, पूरी तरह से जल चुकी है क्लच बेयरिंग और इसको हमको चेंज करना है क्लच बेयरिंग को। और उसके साथ में इसकी क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट दोनों भी हम चेंज कर देंगे। जेन्युइन कंपनी का था, वो ख़राब हो चुका है, अब हम उसको चेंज करने वाले हैं। तो महिंद्रा सुप्रो BS6 में एक ख़ास बात यह है कि इसके लिए थोड़ा अलग से काम करना पड़ता है, जैसे कि इसका जो मिनी फुल होता है और जैसे साइलेंसर के एग्जॉस्ट की जो ढोलकी होती है तो वो काफ़ी अड़चन करती है आपको बीच में काम करने के लिए। और उसमें एक चेंज ऐसा आया है सुप्रो के अंदर, इसको 10 नंबर के बोल्ट है, क्लच प्लेट प्रेशर प्लेट के लिए 10 नंबर के बोल्ट है और छोटे पाने से भी आप उसको खोल सकते हैं। ये देखिए टाइट होते हैं और आपको लॉक करके उसको खोलना होगा। तो ये 10 नंबर के है सब, और महिंद्रा में और जैसे मैक्सिमो में सब और सुप्रो में भी, तो सुप्रो में भी आपको 12 नंबर के देखने को मिलेंगे, पर ये BS6 होने की वजह से इसमें थोड़ा चेंज किया है कंपनी ने इसको 10 नंबर में। तो 6 के 6 भी 10 नंबर की है और नॉर्मली टॉर्क होता है इसको टाइट का, ज़्यादा भी हैवी टाइट नहीं है। और उसको खोलने के लिए हमको ज़्यादा इन्हें मेहनत की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, आप एक बार उसको लूज़ कर देंगे तो खुलेंगे। अरे पहली बार खुल रहा है, गाड़ी को अभी कुछ ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, लगभग 1 साल के अंदर ही हो रहा है गाड़ी को ये लेकर। और आप प्रेशर प्लेट की हालत देख सकते हैं कि कैसी हो चुकी है, पूरा सब कार्बन आ चुका है ऊपर अंदर। अरे लोडिंग वाला है इसलिए इसमें धान वगैरह आते रहती है, रनिंग ज़्यादा होता है BS6 का लोडिंग गाड़ी का। तो हम इसको चेंज जो इसके अंदर जो लगा हुआ है कंपनी का, तो इसमें भी वो एक 10 नंबर का ये सब बोल्ट और रेगुलर ही अपने, तो इसमें कोई टेंशन वाला काम नहीं है जो कि अलग से आप उसको लगाएंगे, उसको निकाल देने का है। और हम चेक कर लेंगे एक बार कि क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट कैसी है। अब क्लच प्लेट कैसी है इसका मतलब ये है कि उसकी अभी वैलिडिटी यानी उसमें ताकत है बची हुई कि नहीं, ये हम चेक करेंगे। तो उसमें तो हमको देखने के बाद ही समझ में आएगा। ये देखिए हमारी क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट दोनों भी निकल चुके हैं। अभी प्रेशर प्लेट देखिए आप अंदर से पूरा गर्म होके जल चुकी है और क्लच प्लेट भी जो है तो स्लिप होकर काफ़ी ख़राब हो चुकी है। अब प्रेशर प्लेट पे अभी अंदर की छोटी जो बेयरिंग होती है फ्लाईव्हील वाली वो भी फ्री है, हमारा इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी देखिए अब कितना डस्ट हो चुका है पूरा फ्लाईव्हील के पास में, तो वो जो क्लच पकड़ के चढ़ रहा था तो इसलिए सब जल गया। अभी हमने ये नया सेट लाए और हम इसको ये क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट डालने वाले हैं, ये नए वाली है। आप देख सकते हैं नई वाली है, इसमें कोई टेंशन वाला काम नहीं, इसकी ग्रिप ज़्यादा होती है उस हिसाब से हम इसको फिट करने वाले हैं। और स्प्रिंग वो भी सब चेक कर लेना होता है हमें नए सामान में कि किसी स्प्रिंग में वो लॉक तो नहीं है स्प्रिंग, क्योंकि काम करने में फिर अड़चन करती है बाद में। और ये क्लच रिलीज पेयरिंग नए वाली निकाल कर दिखाता हूँ आपको मैं, ये पुरानी वाली बेयरिंग है अपनी और ये खोल रहा हूँ उसको, ये नए वाली। ये सब लॉक को सब चेक करना होता है, मैन्युफैक्चर में भी प्रॉब्लम आ सकता है, इसके लिए हमको जो चीज़ हाथ में लिए है उसको चेक करना ज़रूरी है। और एक बार हम उसको काला कर देंगे तो फिर वो चीज़ ऑटोमोबाइल वाला रिटर्न नहीं लेता है, तो इसलिए पहले ही आप उसको चेक करें। क्लच बेयरिंग वो सब फ्री है, चेक हो चुकी है और एक क्लच के 2 बूश
दोनों तरफ आएंगे, एक इस तरफ एक उस तरफ, दोनों बूश भी हम बदल देंगे। तो करते हैं फिटिंग चालू क्लच प्लेट की। सुप्रो मैक्सी परफेक्ट ट्रक BS6 इसकी हम फिटिंग करेंगे अभी। ये क्लच प्लेट का अंदर वाला हिस्सा अलग और बाहर वाला हिस्सा अलग, फ्लाईव्हील साइड और प्रेशर प्लेट के अंदर आने वाला हिस्सा अलग। तो गियरबॉक्स साइड और फ्लाईव्हील साइड हमारा होता है, हमको उसको फिट करना है। तो वो आप देख सकते हैं ये गियरबॉक्स वाली साइड है और इसके पीछे कम जगह जो होती है वो फ्लाईव्हील वाली साइड, तो दोनों इस तरह से फिट हो जाएंगे अंदर बैठ के। तो उस बात का ध्यान रखना है, तो ये फ्लाईव्हील वाली साइड होती है और ये गियरबॉक्स वाली, इधर से स्प्रिंग है ऊपर, तो वो साइड दोनों साइड से देख कर हम उसको इस तरह से फिट कर देंगे। लगाना है तो उसमें तीन डबल होते हैं, तीनों डबल में आपको बिठाना है परफेक्ट, और उसके बाद ही इसकी हमारी फिटिंग होगी। तो क्लच प्लेट का सेंटर तो लेने के लिए हमको परफेक्टली एक टॉप शॉप की ज़रूरत पड़ती है, जिससे क्लच प्लेट का सेंटर लेकर वो बराबर अपनी सेंटर क्लच प्लेट का ले लेता है। तो अपने को जब आप गियरबॉक्स फिट करेंगे तो वो परफेक्टली गियरबॉक्स फिट हो जाएगा आपका, आपको उसमें डिस्टर्ब भी नहीं होगा और टाइम भी नहीं लगेगा। तो वो टॉप शॉप इस तरह से लगा के रखना है हमको, और सारे जो 10 नंबर के बोल्ट है वो सारे लेकर सब एक एक से इस तरह से हमको तो ये हमारे 6 बोल्ट आधार लगा दी हमने। अब उसको हमको टाइट करना है थोड़ा थोड़ा करके। तो उसके लिए हम पहले चेक कर लेंगे घुमाकर टॉप शॉप, तो टॉप शॉप फ्री है या नहीं। तो ये सब ऐसा इस तरह से टाइट हो जाता है, सबको आपको थोड़ा थोड़ा मिलाना है, फिर चेक करना है। जब टाइट लगेगा तो फिर उसको लूज़ कर देना होता है नट को। देखिए इस तरह से वो घूमना चाहिए, फिर बाद में आप एक बार सब लाइन बन जाएंगी तो फिर आप टाइट कर सकते हो। और टॉप शॉप को भी निकाल के एक दो बार चेक करना चाहिए पूरी फिटिंग होता है क्लच प्लेट। अगर आप चेक नहीं करेंगे तो बाद में फिर टॉप शॉप यानी गियरबॉक्स नहीं बैठेगा जल्दी। सेंटर के लिए आपको फ्री सेंटर चाहिए। तो ये हमारा जो बोल्ट है हम उसको कर देंगे, उसको पूरे मिला लेंगे एक बार सही से। तो आपको एक गैप छोड़ के एक बोल्ट टाइट करना चाहिए थोड़ा 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 थोड़ा। तो जब जाकर आपके प्रेशर प्लेट का जो फोर्स होता है वो तो फोर्स बराबर से प्रेस करता है क्लच प्लेट को, और आप देख सकते हैं कि इसके जो ब्लेड्स रहते हैं जिसके ऊपर क्लच बेयरिंग चलती है वो तो सब ऊपर रहते हैं। जैसे जैसे आप टाइट करेंगे वो सब अंदर 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 जाते जाएंगे। तो आप जब आपका फाइनल हो जाएगा उस टाइम पर सब पर उंगली घुमाकर आपको चेक करना होगा कि पूरे सब सही से प्रेस हो रहे या नहीं। अभी देख सकते हैं, मैं आपको दिखा दूँगा कि उसका प्रेशर कितना जो दबना चाहिए, तो उसके बाद फिर आपका क्लच फ्री हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा करके ही आपको सब पूरे बोल्ट मिलाना है, गड़बड़ बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। तो आपको खुद दिख जाएगा कि आपका प्रेशर प्लेट बराबर प्रेस हो गई, तो आपकी प्रेशर प्लेट की जो ब्लेड है वो बराबर अंदर आ जाती है सब। और जब अंदर आ गई तो आपको पूरे एक साइज़ में दिखने लगते सब। देखिए आ गए सब इस तरह से। इस तरह से आपको सबको लाइन में लेना है और उसको अपने हिसाब से टाइट करना है। तो ये था दोस्तों हमारा महिंद्रा सुप्रो परफेक्ट ट्रक जो है, तो मैक्सी वाला लेटेस्ट PS6 अच्छा क्लच प्लेट क्लच बेयरिंग प्रेशर प्लेट चेंज का वीडियो। तो ये BS6 है और इसमें भी थोड़ा चेंजेस होते हैं।
चालू आता।